अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आज हम ना एक न्यू पोस्ट बनाना सीखेंगे कि हम एक अट्रैक्टिव और ट्रेंड के मुताबिक जो पोस्ट आजकल मार्केट में जिस पोस्ट का ट्रेंड है उसको बनाना सीखेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, कलर चूजिंग के लिए आपने वेबसाइट पे जाना है, कलर अडोब, वहाँ पे जाके आपने कलर को सिलेक्ट करना है। तो मैंने जो सिलेक्ट किया है कलर अपने बैनर के लिए वो मैंने ये चूज़ किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक शेप ड्रा करूँगा। शेप ड्रा करने के बाद उस पर मैं एक कलर फिल करूँगा। कलर क्या फिल करूँगा उसको जो वेबसाइट से कॉपी किया था यहाँ के पेस्ट कर दूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगी। तो अभी ये क्या होगी, हमारी एक पोस्ट का कलर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक शेप बनाएंगे रेक्टेंगल टूल, ठीक है? उससे क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हम राउंड शेप देंगे। हमने उसे राउंड शेप दे दिए। इसके बाद और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद फिर हम इसकी एक आर्ट से कॉपी ले लेंगे। कॉपी ले ली हमने। इसके बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा कलर कर दिया, ठीक है? अब हम कोई JPG इमेज नेट से डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम जो इमेज है उसको कॉपी कर लेंगे जहाँ पे हमने डाउनलोड किया होगा। हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। वेबसाइट से जाके बैकग्राउंड रिमूवर, इसको हमने डन कर दिया। और यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ड्रैग करेंगे यहाँ पे। इस इमेज को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर आके ड्रैग कर देंगे, ठीक है? अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक कन्वर्टिंग मास स्मार्ट कन्वर्ट इंजेक्ट कर लेंगे। उसके ऊपर इसको हम कन्वर्टिंग मास के कर देंगे, ठीक है? आज हमने क्या चीज़ सीखा, आज हमने ये चीज़ सीखा कि हम शेप के अंदर उस इमेज को कैसे क्लिपिंग मास्क करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट हम फिर इस पोस्ट को मज़ीद इसके अंदर हम कंटेंट वगैरह एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।